नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल अपने गृह जिला जांजगीर चांपा पहुंचे, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नेता प्रतिपक्ष ने 15 मार्च को बीजेपी द्वारा विधानसभा का घेराव किया जाएगा। इस घेराव ने प्रदेश भर में बीजेपी कार्यकर्ताओं और पीएम आवास के पात्र हितग्राहियों को आवास नहीं मिलने वालों के साथ राष्ट्रीय पदाधिकारी शामिल होंगे और राज्य सरकार के द्वारा पीएम आवास का 40% अंशदान की मांग की जाएगी। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि प्रदेश की भूपेश सरकार प्रदेशवासियों को ठगने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ विधानसभा का घेराव करने जा रही है और उसमें हमने पूरे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और आम जनता को, आम आवाम का आह्वान किया है कि छत्तीसगढ़ की जो भूपेश सरकार है, जो कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने अपने जन घोषणा पत्र में झूठा वादा किया, लोगों को धोखे में रखा, लोगों के साथ में छल किया, लोगों के साथ में विश्वासघात किया। प्रधानमंत्री आवास के लिए राशि, गरीबों के मकान के लिए राशि नहीं, ये दुर्भाग्य है। और इन सारे मुद्दों को लेकर के 15 मार्च को भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ विधानसभा का घेराव करती है।